नमस्कार। उम्मीद करता हूँ सबके अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे G7 क्या है, G7 नेशन में कौन कौन से देश आते हैं, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा, क्योंकि करंट अफेयर्स पर एक या दो क्वेश्चन बनने की संभावनाएं होती है। आप लोग जानते होंगे G7 के बारे में, लेकिन हम इस पर फिर से चर्चा कर लेते हैं। जो G7 नेशन है, जो दुनिया के विश्व स्तरीय अर्थव्यवस्था वाले देश होते हैं, जो 7 बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों का एक संगठन होता है, और इसमें जो नेशन है फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, इटली, अमेरिका, जापान, कनाडा, ये 7 देश हैं। फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, इटली, अमेरिका, जापान, कनाडा, ये दुनिया के 7 बड़े अर्थव्यवस्था वाले देश हैं जो कि G7 देश में शामिल हैं। जो G7 देश है उसमें अगर हम बात करें, जो फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, इटली, अमेरिका, जापान, कनाडा, इन 7 देशों के नेता होते हैं। 7 देशों के नेता के बाद जो 8वां होता है यूरोपीय संघ का अध्यक्ष जो होता है, वह भी इसमें शामिल होता है। जो G7 नेशन होता है उसमें 7 देशों के मंत्री और जो इसके ब्यूरोक्रेट होते हैं वो आपस में चर्चा करते हैं। विश्व स्तरीय सम्मेलन होता है कि विश्व को आगे कैसे ले जाएं, और जो वर्तमान में क्या क्या जो कमियां नजर आ रही है उस पर वो चर्चा करते हैं। जो G7 नेशन है उनको एक समुदाय होता है जिसको कम्युनिटी ऑफ वैल्यूज किसे बोला जाता है, ये लोग आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। कम्युनिटी ऑफ वैल्यूज यानी कि मूल्यों का आदर करने वाला समुदाय भी G7 नेशन को माना जाता है। जो G7 नेशन है, G7 नेशन के जो सिद्धांत है उसके सिद्धांत स्वतंत्रता और मानव अधिकारों की सुरक्षा है, स्वतंत्रता और मानव अधिकारों की सुरक्षा है, और साथ में लोकतंत्र और कानून का शासन और समृद्धि सतत विकास भी इसका एक सिद्धांत माना जाता है। और साथ में ये जो विभिन्न मुद्दों पर ये चर्चा करते रहते हैं, जैसे ऊर्जा नीति हो गया, जलवायु परिवर्तन हो गए, और जो इंसान के स्वास्थ्य से लेकर जो संबंधित चीजें होती हैं वो भी इस पर चर्चा किया जाता है। अगर हम बात करें जो G7 नेशन है, G7 नेशन का जो पहला शिखर सम्मेलन हुआ था वह 1975 में जो हुआ था, सैटा डी रेमोइलेट एक पैलेस है जो कि फ्रांस में है, वहां पर G7 का पहला सम्मेलन आयोजित किया गया था फ्रांस में। और वर्तमान में कहां पे हो रहा है, इटली में हो रहा है। इटली में जो शिखर सम्मेलन है वह इटली में हो रहा है, और जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी इसमें शामिल होने जा रहे हैं। G7 नेशन का एक यह सिद्धांत रहता है, जो और राष्ट्र होते हैं उनके नेताओं को, उनके जो प्रधानमंत्री होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, उनको भी इनवाइट किया जाता है, वही वैश्विक स्तर के नेताओं को बुलाया जाता है और उस पर चर्चा किया जाता है। और G7 का जो मेन फंडा रहता है उसका ये रहता है कि जो जितने भी G7 नेशन के मंत्री होते हैं, मंत्री के साथ साथ उनके ब्यूरोक्रेट इस पर चर्चा करते हैं, और जो विभिन्न गतिविधियों को लेकर ताजा जो डेटा उनके पास होता है उस पर चर्चा करते हैं, उसका समाधान निकालते हैं। इसलिए उनको कम्युनिटी ऑफ वैल्यूज भी कहा जाता है। समय समय पर जो G7 देशों के खिलाफ जो पर्यावरण पालकर्ता और पूंजीवाद जो राष्ट्रों के खिलाफ इसका विरोध भी होता रहा है, G7 नेशन का विरोध भी होता रहा है। और G7 नेशन जो अपने अर्थव्यवस्था पे चर्चा तो करते हैं, साथ में उनका विरोध भी लगातार होता रहा है। तो जिसमें अगर हम बात करें जो पूंजीवाद जो देशों के जो खिलाफ में जो पूंजीवाद जो संगठन होते हैं वो उसका विरोध करते हैं G7 नेशन का। और साथ में अगर हम बात करें G7 में जो पहला जो 8वां जो देश था रूस भी था, हम उस पर चर्चा कर लिए लेकिन फिर भी कर लेते हैं। जो रूस था वह 2014 तक इसमें शामिल था, लेकिन रूस क्या करता है, यूक्रेन से क्रीमिया को छीन लेता है, और 2014 में जो G7 राष्ट्र होते हैं वह रूस को अपने संगठन से अलग कर देते हैं। तो इस हिसाब से हम बात करें, आप लोग G7 नेशन का उद्देश्य आप लोग जानते होंगे, लेकिन हम फिर भी इस पर चर्चा कर लिए हैं। और आप देखिएगा जो G7 नेशन जो इटली में जो आयोजन हो रहा है 2024 पर, उसमें कौन कौन सी बातें निकल कर आती हैं, इस पर भी हम इस पर चर्चा करेंगे, एक वीडियो बनाएंगे, आप लोग जानते होंगे। फिर भी हम चर्चा कर लेते हैं एक बार फिर से, इसका जो
जो 2024 का शिखर सम्मेलन इटली में हो रहा है और भारत को भी इसमें इनवाइट किया गया है। तो आप लोग इसे देख लिए होंगे, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, इटली, अमेरिका, जापान, कनाडा, 7 देश होते हैं। जो पहला शिखर सम्मेलन हुआ था सैटा डी रेमोई लेड में हुआ था, जो कि फ्रांस का एक महल है। तो दोस्तों G7 नेशन देखा जाए, वह विश्व स्तरीय राष्ट्र जो 7 बड़े राष्ट्र अर्थव्यवस्था वाले देश होते हैं उनका एक संगठन होता है, उन्हें कम्युनिटी ऑफ वैल्यूज भी कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है मूल्यों का आदर करने वाला। वह विश्व स्तर के जो अर्थव्यवस्था वाले जो देश होते हैं इस पर वो चर्चा करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, ना भी आई होगी तो आप लोग एक फ्रेंड के नाते कर लीजिएगा। धन्यवाद, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।